सत श्री अकाल, मैं परविंदर कौर, इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तो आगाज़ करते हैं खबरों का। होशियारपुर च सर्व धर्म ख्वाजा मंदिर पिछले 9 साल तो चर्चा में है, जो कि चिंतपुर्नी रोड से स्थित है। दस दईए कि इत्थे दी खासियत यह है कि इस मंदिर च बच्चों नूं सिक्ख्या प्रति उत्साहित करन लई मुफ्त किताबां दित्तियां जांदियां ने, ते गरीब बच्चों लई दुध की सेवा की जाती है। ये पहली बार नहीं है कि जदों होशियारपुर के इस मशहूर सर्व धर्म ख्वाजा मंदिर वालों इस तरह का समाज के प्रति उपराला किया गया है, बल्कि इस तो पहला भी सर्व धर्म ख्वाजा मंदिर ने अजिहे समाजिक कामों में हिस्सा पाया है। गरीब बच्चों नूं मुफ्त किताबा ते दुध दे लंगर लगाउण दे सर्व धर्म ख्वाजा मंदिर के उपराले नूं लोग काफ़ी सलाह रहे ने, ते इत्थे दूर दुराडे तो लोग मत्था टेकन लई आउंदे ने। ये एक खास दिन पर इसलिए रखा गया क्योंकि आज काफ़ी चीज़ें इकट्ठा हैं, जैसे आज परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया है, आज ईद है। आज के दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था, आज के दिन वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखना आरंभ किया था, आज के दिन ही भगीरथ जी ने माँ गंगा को धरती पर आने के लिए आग्रह किया था। यानी आज का जो दिन है ये तप और त्याग, इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। तो इस दिन को हमने इसलिए सेलिब्रेट किया बच्चों के साथ कि हम उनको एक नई राह पर लेके चलें, उन्हें स्टडीज़ के लिए नए सिरे से शुरू करें कि हाँ पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग है, जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती। तो हम आने वाले सुनहरे भारत को देखते हैं इन बच्चों में। अगर हमारे बच्चे एजुकेटेड होंगे, ये बच्चे पढ़े लिखे होंगे, तो कल इनके हाथ में कलम होगी, तलवार या छुरा नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन बच्चों पर काम करें, यूथ पर काम करें,